सुप्रभातम बच्चों, आज हम छठी कक्षा के पार्ट 10 को करेंगे, जिसमें हमारा पेज नंबर 31 होगा। तो हम करेंगे अभ्यास। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। हमने शुद्ध और अशुद्ध को करना है। आप लोगों ने बच्चों बोलना भी है और लिखना भी है। तो पहला है, मेरे साथ बोलिए, चत्वारि प्रिय मित्राणि वने वसन्ति। ठीक है, जो चार मित्र थे, प्रिय मित्र, घनिष्ठ मित्र थे, वो कहाँ रहते थे? वन में रहते थे। तो पहला आएगा शुद्धम। दूसरा है, एकदा हरिणः दूरं गच्छति, एक बार हिरण दूर जाता है, तो इससे ही बात है कि हिरण कहाँ जाता था? दूर। ठीक है, तो इस ये भी आएगा बच्चों शुद्धम। दूसरा भी आएगा शुद्धम। तीसरा है, व्याधः कच्छपं जालेन अबद्धत, क्या शिकारी ने कछुए को जाल में बांधा था? तो ऐसा नहीं है। जो शिकारी ने है, शिकारी ने किसको बांधा था जाल में? हिरण को। ठीक है, तो इसमें आ रही बात, व्याधा कछुपम जालन अबद्धत, कि शिकारी ने कछुए को जाल में बांधा तो नहीं बांधा था, तो इसका आएगा अशुद्धम। फिर फोर्थ है, मुष्कः जालम कृतंति ही, चूहे ने जाल को काटा था, काटता ना जाल को, कब? जब क्या होता है, हिरण जाल में होता है, फंसा हुआ है। तो ये आएगा फोर्थ, आएगा बच्चों शुद्धम। फिफ्थ है, कछपः अत्र तत्र पश्यति, कि कछुआ यहाँ वहाँ देखता है तो नहीं देखता है, तो इसका आएगा अशुद्धम, क्योंकि देखने के लिए तो कौन गया था? काकः। फिर है, सर्वे प्रसन्ना भूत्वा सुखेन वसन्ति ही, तो इसका आएगा शुद्धम। ठीक है, सभी खुश होकर, प्रसन्न होकर, सुख से रहते हैं। ठीक है, जो चार मित्र थे वो। ठीक है, तो इसका आएगा शुद्धम। अब बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूर्यन्तु हो। तो हमारा है ये बच्चों, हमारी मंजूषा होगी यहाँ पे। ठीक है, पहले तो आप लोगों ने इसकी नमरी करनी है, तो अपने हाथ में सभी पेंसिल ले लें। तो लिखो, 4 3 1 5 2। काका के आगे 4 लिखना है आप लोगों ने, वार्तालापम के आगे 3, वर्ण्य के आगे 1, हरिणा का आगे 5 और दुर्म का आगे 2। तो पहले में भरना आप लोगों ने, चत्वारी मित्राणि मिलित्वा, जहां पर रिक्त स्थान है वहां पर क्या भरना आप लोगों ने? वने वसंति ही। दूसरे में भरना बच्चों आपने, हरिणा दूरम गस्ती। तीसरा है, ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। थर्ड में बढ़ना आप लोगों ने, वार्ता लापम। फिर आपका फोर्थ, देश हरिणम पश्यति। तो फोर्थ में बढ़ना बच्चों आपने, काकः। फिफ्थ है, देश मुक्ता अभवत। तो और फिफ्थ में बढ़ना आप लोगों ने, हरिणः। अब हमारा प्रश्न नंबर 3, उचितम विपरीतम पदम चित्वा लिखन्तु। आप लोगों ने विपरीत पदों को चुनकर क्या करना आप लोगों ने? लिखना है। तो यहां पर देखिए, वैसे नंबरिंग डाले यहां पे, 3 4 2 5 1, खिन्न का आगे 3, दुखिनी का आगे 4, प्रातः काल के आगे 2, बद्धा का आगे 5 और सिमीपद का आगे 1। तो पहला देखिए, दूरम के बाद क्या आएगा? विपरीतार्थक शब्द, मीन्स उल्टे शब्द, जैसे आप लोग हिंदी में करते हो उसी प्रकार से है। तो पहले का आएगा बच्चों दूरम
तो पहले गाएगा समीपम, सायकालः प्रातः कालः, मेरे साथ उच्चारण करना सभी ने, प्रसन्नः खिन्नः, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा, खिन्नः। फोर्थ में क्या आएगा, सुखेन दुखेन। और फिफ्थ में आएगा मुक्तः बद्धः, ठीक है। तो बच्चों पहले को आपने यहां पढ़ना है, दूसरे को आपने यहां पढ़ना है, और तीसरे को आपने यहां पढ़ना है, ठीक है, और चौथे को आपने यहां भरना है, और पांचवे को आपने यहां भरना है, ठीक है। तो बच्चों पेंसिल से आपने इसको अपने रिक्त स्थानों में भी भर लेना है, और ठीक है, और इस पे आप लोगों ने नंबरिंग भी डाल देनी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। जो शेष हमारे प्रश्न होंगे, अभ्यास होगा, उसको हम दूसरी वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।